नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। महाशिवरात्रि का पावन अवसर, भोलेनाथ की आराधना का पावन अवसर, और ऐसे में अद्भुत संयोग, और खास करके कहा जाता है कि पूजा विधि अगर आप बहुत आसान तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत जल्दी मानते हैं आपकी सारी बातों को, लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से पूजा विधि कैसे करें और कब कब कौन से पहर में कौन से पूजा का खास करके महत्व है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए थी वो समय बताएंगे आपको। योग बताने वाली हूं कि कौन से योग में आपने पूजा करनी है और किस तरीके से पूजा करनी है, तरीका साधारण सा क्या हो ताकि आप बहुत आराम से, शांति से, बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर पाए और पूरा पूरा आशीर्वाद भोलेनाथ का ले सके। शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि, अद्भुत चमत्कारी रात्रि होती है ये। इस दिन, इस रात्रि कहा जाता है कि सुबह के पहर से ही शुरू हो जाती है और सूर्य उदय से जो बहुत सारी चीजें शुरू कर सकते हैं, रात्रि का पूरा महत्व करते हुए अगले दिन सुबह तक जब आप तक पारण नहीं कर लेते तब तक कहा जाता है कि आप जो मांगना चाहते हो मांग सकते हैं। और रात्रि के उपाय तो वैसे भी चमत्कारी होते हैं इस समय। महासंयोग की अगर हम बात करते हैं तो गुरु भले ही नीच के हैं लेकिन उदय अवस्था में है, यानी एनर्जेटिक है, और शनि उदय है साथ में, तो ग्रहों की भूमिका अच्छा सपोर्ट कर रही है, अच्छा बेनिफिट देने की तरफ इंडिकेशन दे रही है। लेकिन वहीं हम योग की अगर बात करते हैं तो शिव योग बन रहा है इस दिन। भगवान भोलेनाथ सोचे कितने खुश होंगे, और उससे पहले का जो प्रदोष होता है वो अति उत्तम होता है। हमने उसकी वीडियो निकाली है, उसके वीडियो में बारे में बताया है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और महाप्रदोष, कहा जाता है कि शिवरात्रि से पहले का जो प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष व्रत पर आप जो उपाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ रजत भवन में, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और बेहद खुशी से नृत्य करते हैं। उस दिन कहा जाता है आप जो मांगना चाहें वो खुशी खुशी आपकी झोलियां भर देते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि योग की, कि शिव योग, धनिष्ठा नक्षत्र और गुरुवार का दिन, सारी चीजें साफ साफ एक अच्छे संकेत की तरफ दे रही है कि आप अपने जीवन में अच्छे पलों को कैसे जोड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि के अगर हम बात करते हैं समय की, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, प्रथम पहर की अगर हम बात करते हैं तो शाम को 6:27 से लेकर के 9:29 तक का जो समय है, इस समय आप बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ की जितनी आराधना करें आप कर सकते हैं। और दूसरा समय, अगर हम दूसरे अगले समय की बात करते हैं तो, यानी कुल मिलाकर के बात करते हैं कि सुबह से जो आपने पूजाएं करनी है वो कीजिए, जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए, भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिरों में जरूर जाइएगा, और खास करके अगर आपके घर में शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है या फिर स्फटिक के शिवलिंग है, तो आप घर में पूजा आराधना तो जरूर ही करनी होती है, क्योंकि घर के अंदर सबसे पहले पूजा कर लेनी चाहिए भगवान भोलेनाथ को मनाने की, उसके बाद आप मंदिरों में भी जाइए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि अपनी सुरक्षा आपको स्वयं रखनी चाहिए, और ये इसके साथ ही आप पूजा आराधना कीजिए ताकि ना हमें दुख हो, ना हमें परेशानी हो, ना सामने वाले को दुख दे, ना परेशानी दे, क्योंकि अगर किसी को भी हमारे माध्यम से परेशानी होती है तो वो पूजा किसी काम की नहीं आती है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि सात्विक होकर के श्रद्धा से, सच्चे मन से और अच्छे विचार लाते हुए पूजाएं करनी चाहिए, तो वहां ये सारी चीजें कलेक्ट होती हैं। चलिए उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि 9:29 के लेकर के मिडनाइट के 12:31 तक का समय, ये बड़ा चमत्कारी है। इस समय भी आप बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं,
और तीसरा समय बता रहे हैं 12:31 से जो शुरू हो रहा है वो 3:32 तक का समय है। देखिए जो लोग अपने अपने समय का बता रहे हैं, हर एक अलग समय में पूजा कर सकता है। यकीन मानिए आपको नहीं मिलता टाइम, रात को 9 बजे टाइम नहीं मिल रहा, 11 बजे टाइम नहीं मिल रहा, पर आप 12 बजे बहुत अच्छे से फ्री हैं, आप जागते हैं, आपको मन भी है कि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। तो ऐसे में बहुत सारे रात्रि जागरण जरूर करना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको समय बताया जा रहा है, आप उस समय के अकॉर्डिंगली अपनी पूजा के लिए समय चूज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है 12:31 से लेकर के रात्रि के मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग इनफैक्ट कहें तो 3:32 तक का भी समय है। उसके बाद आखिरी फोर्थ समय जो हम बता रहे हैं आपको 3:32 ये मिड रात्रि का टाइम है और 6:34 सुबह तक का। तो आप यकीन मानिए कि पूरी रात्रि का विधि विधान है, पूरी रात्रि आप पूजा कर सकते हैं। अब बहुत साधारण तरीके से कैसे पूजा करें, कैसे भगवान भोलेनाथ मान जाए, कैसे माँ पार्वती मान जाए कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण कर दे। एक तो कहा ही जाता है कि सुबह सुबह उठ करके स्नान करना ही चाहिए आपको, और आपको ये स्नान सूर्य उदय से पहले ही लेना चाहिए। और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अगर शिवरात्रि के दिन यानी रात्रि से पहले सुबह से ही आपके रिचुअल्स आपकी विधाएं स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको सुबह 4 बजे का स्नान अति उत्तम माना जाता है शिवरात्रि के अवसर पर। और उसके बाद आप पूजा विधि विधान जो है पहले अपने घर की पूजा कीजिए, जो घर में भगवान भोलेनाथ को आपने मूर्ति है, आपने चित्र लगा रखा है या फिर आपने छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं, आप उनकी पूरी विधि विधान से पूजा कीजिएगा। फिर उसके अलावा भस्म बहुत प्रिय होती है भगवान भोलेनाथ को, हम बहुत सारी चीजें चढ़ा देते लेकिन भस्म नहीं चढ़ाते, और आपको मालूम है कि उन्हें भस्म कितनी प्रिय है। उस दिन तो भस्म भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करनी चाहिए और इनफैक्ट आपको खुद को तिलक जरूर लगाना चाहिए भस्म का। कहते हैं कि जितनी भी आपके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव हो रहा है तो वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। त्रिपुंड बनाना चाहिए, अगर आप उस दिन त्रिपुंड बनाते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं कि अगर आपको कोई खास मनोकामना अपनी पूर्ण करानी है, ये ध्यान से देखिएगा, एक तो आपने आपको बता दिया बेलपत्र धतूरा आपको जरूर अर्पित करना है, बेलपत्र कम से कम 21 बेलपत्र आपको जरूर अर्पित करने हैं, गंगा जल जरूर अर्पित करना है, कच्चा दूध जरूर अर्पित करना है, बेर बड़े पसंद है उन्हें, फल में बेर आप जरूर उन्हें अर्पित कीजिएगा। मिष्ठान का जो भोग लगाना चाहते हैं, शहद बहुत प्रिय है, शहद से आपके शरीर के कई कष्ट हटते हैं, शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। त्रिपुंड का आपको बता रही हूँ एक चमत्कार आपके जीवन में कैसे होगा, एक पेपर लीजिए उसके ऊपर आप पीले चंदन से त्रिपुंड बनाइए और वो त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए जो उस समय त्रिपुंड बनाते हुए आप अपने मन के अंदर इच्छा रखेंगे और उसके बाद जब भोलेनाथ को वो त्रिपुंड का कागज जो है जिसमें आपने त्रिपुंड बनाया हुआ है वो आस्था के साथ अर्पित करेंगे तो आपकी जितनी मनोकामनाएं हो एक चुटकी में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बहुत आसानी से कर देते हैं, कोई हर्डल्स नहीं आपकी जीवन में रहने देते हैं। फिर कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को आपको धार बनाते हुए ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए, धार नहीं तोड़नी होती है। कहा जाता है कि बार बार ब्रेक करने से धार आपकी जिंदगी में कष्टों का आभार होता है, आते हैं कष्ट, इनफैक्ट आपकी जो जितने कष्ट चल रहे हैं जिसका निवारण आप करने जा रहे हैं वो निवारण ठीक से नहीं हो जाता, जितनी बार रुकेंगे आप उस धार को तोड़ेंगे उतनी बार आपको जिंदगी में हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। एक ही धार बनाइएगा, जब आप जल डालना शुरू करते हैं तो जो पहला अंश जल का गिरे और उसके बाद जो आखिरी जल हो उसके बीच में आपने धार को नहीं तोड़नी है। फिर आती है कि आपको मंत्र का पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है नमः शिवाय, और आपको इस मंत्र का जाप जितना ज्यादा आप करें उतना अति उत्तम माना जाता है। हाँ, रोगी को छोड़ करके अगर आप बहुत अच्छे से व्रत रख सकते हैं तो निराहार व्रत भी रखते हैं, इनफैक्ट
फलाहार व्रत में रहता है, लेकिन रोगी को जरूर कुछ ना कुछ फलाहार ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपनी मेडिसिन दिन भर में दिन क्रिया में लेते हैं। तो आपके लिए ये इतना ज्यादा कठिन व्रत करने की जरूरत नहीं है, भगवान भोलेनाथ वैसे भी भोले हैं, आप श्रद्धा से मनाने का उन्हें प्रयास कीजिएगा, आपके जीवन के कष्ट तो वो वैसे ही दूर कर देते हैं। तो आपको रात्रि पूजा जरूर करनी चाहिए, पहरों में पूजा करनी चाहिए, सुबह से लेकर के रात तक भी पूजा करनी, और रात्रि का समय हमने आपको खास समय बताए हैं जहां आपने पूजा करनी है, जो समय आप चूज करना चाहते हैं, निर्धारित करना चाहते हैं उस समय में आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये चारों के चारों समय जो आपको बताए गए हैं, पूरी रात्रि का जागरण भी आप कर सकते हैं, इनफैक्ट आपके लिए और भी ज्यादा चमत्कारी रात हो सकती है। पूर्व की दिशा, जब आप ये पूजा करें ध्यान रखें दिशा का चुनाव बहुत जरूरी होता है, आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। जब भी आप इस मंत्र जाप चैंट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपका मंदिर जो है वो पूर्व दिशा को फेसिंग नहीं हो रहा है, यानी आपका फेस पूर्व दिशा की तरफ नहीं आ रहा है, तो आप सारी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन जब आप मंत्र के जाप करना चाहते हैं, जब जाप शुरू करना चाहते हैं, तब आप पूर्व की तरफ का ही चुनाव कीजिएगा। जब आप त्रिपुंड बनाने जा रहे हैं जिससे आपने सारी मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करनी है, तो भी आपने पूर्व दिशा का ही चुनाव करना है, यानी ईस्ट की दिशा का चुनाव जरूर करना है। रुद्राक्ष की माला अगर आप उस दिन अर्पित कर सकते हैं, और उसी माला के ऊपर आप जाप करके कहते हैं कि अगर आप उसे धारण कर लेते हैं तो वो अभिमंत्रित तो हो जाती है, चमत्कारी माला हो जाती है। लेकिन ये जाप आप रात्रि के समय कीजिएगा, जो समय हमने बताया उनमें से जो भी समय आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। कम से कम 8 मालाएं जाप करके तो उस माला को अगली सुबह स्नान के बाद आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपके शरीर के कष्ट दूर होते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, आपकी तकलीफें दूर होती हैं, और आपको सुखों का आगमन होता है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन से जितनी परेशानी है उनका समापन होता है। तो शिव की रात्रि अति चमत्कारी रात्रि होती है, तो इस चमत्कारी रात्रि का चमत्कार जरूर देखें, जरूर आजमाएं, इनफैक्ट आप बहुत सारे आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ से जरूर पाएं, क्योंकि शिव और शक्ति जब जब मिलते हैं तो जिंदगी में आपकी तकलीफों का अंत होता है। तो आपको अपनी तकलीफों का अंत करना है तो रात्रि में पूजा जरूर कीजिएगा, जो समय आपने बताया है उसी समय के अकॉर्डिंगली ही पूजा कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी शिवरात्रि से पहले का जो प्रदोष होता है वो बहुत उत्तम होता है, प्रदोष की वीडियो हमने डाल दी है, क्योंकि प्रदोष शिवरात्रि से पहले का कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में बहुत ही खुशी से नृत्य करते हैं इस दिन, और उस दिन जो आप अपनी इच्छा पूर्ण कराना चाहते हैं तो प्रदोष की वीडियो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप पूजाएं जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।